फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, बल्कि मैं कहूं कि आपके इस चैनल पे। और हमें डोमेन ऑफ दिस फंक्शन निकालना है एंड वी आर गिवन फोर ऑप्शंस। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो तरीका एक है कि आप ट्रायल एंड एरर से निकाल लें, तरीका दूसरा है कि आप थोड़ा समझ लें। तो ट्रायल एंड एरर भी आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ऐसा एक्सपेक्ट करूँगा कि आप उसको समझें भी। तो पहले हम ट्रायल एंड एरर पे आ जाते हैं। तो ट्रायल एंड एरर पे देखें दोस्तों कि आप इसमें कौन सी वैल्यू, तो ये रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स है। तो अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का डोमेन याद हो तो माइनस वन से वन होता है, और साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है दोस्तों इसी हिसाब से माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक। पर हमारे पास अंडर रूट है, अंडर रूट में हमें ये वाली वैल्यू माइनस पाई बाय टू से लेके कहाँ तक, जीरो से पहले की ये वैल्यू नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो ये कब मिलती है, जब वैल्यू माइनस वन से लेके कहाँ तक होती है, जीरो तक होती है। तो माइनस वन से जीरो तक की होती है, तब तक ये केस आता है। तो ये वाला केस नहीं लेना है। तो माइनस वन से जीरो वाला कोई केस है क्या? एक तो ये आ रहा है, ये वाला भी हमारा गलत हो गया, और ये वाला भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी वो माइनस वन से जीरो, ये वाला इंटरवल इंक्लूडेड है। अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं मुकाम पे, ये वाला ऑप्शन सही होगा या ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये वाले दोनों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए जो बड़ा है उसको देखो, बड़ा कौन है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उसका रे उसका जो वो है स्पेक्ट्रम है वो बड़ा है, ये इंटरवल की लेंथ बड़ी है। तो ध्यान से देखेंगे अपन, एक काम करते हैं, लेंथ तो सेम है ना, मैं थोड़ा स्लिप कर गया, ये लेंथ सेम कहेंगे इनको कि दोनों इंटरवल्स की लेंथ सेम है, पर इसकी जो स्पेस है, ये जो इसका स्पेक्ट्रम है थोड़ा बड़ा है। तो जीरो और वन, तो इसमें जीरो और वन इंक्लूडेड नहीं है, उसमें इंक्लूडेड है। तो क्या जीरो हम रख सकते हैं? तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, इसमें तो क्लियर हो गई बात कि इसमें रख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स जीरो इज जीरो और अंडर रूट ऑफ जीरो इज जीरो, तो नो प्रॉब्लम, ये वाला तो इसमें रख सकते हैं। क्या जीरो इसमें भी रख सकते हैं? तो आओ इसमें जीरो रख के देखते हैं हम। थ्री माइनस टू टू द पावर जीरो माइनस टू टू द पावर वन माइनस जीरो मीन्स वन बाय टू। तो थ्री माइनस वन कितना होगा? टू। टू माइनस वन बाय टू, टू माइनस वन बाय टू पॉजिटिव, इट्स एनफ, पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव चलेगा। तो इसका मतलब है जीरो जीरो रख सकते हैं। अब आप वन पे भी आ जाते हैं दोस्तों, तो वन पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, थ्री माइनस टू टू द पावर वन, टू टू द पावर जीरो, ये हो गया टू, ये वन, थ्री माइनस टू माइनस वन यानी जीरो। तो इसका मतलब सही आंसर ये है, ना कि ये। तो ये था दोस्तों इसका ट्रिक, जो हम समझ पाए कि इस तरीके से करते हैं। लेकिन आप जब जेई जैसी एग्जाम में, इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, तो केवल और केवल ट्रिक के भरोसे नहीं जा सकते। तो कंसेप्चुअली यू मस्ट बी वेरी वेरी साउंड, तो आपको बहुत ज़्यादा साउंड होना पड़ेगा। इसका डोमेन आ गया आपका जीरो से वन, दैट्स ट्रू, आई एग्री। अब हम समझते हैं कि इसके भी डोमेन को कैसे निकालेंगे। तो बीइंग इन रूट, ये रूट के अंदर है, तो ये हो जाएगा आपका थ्री माइनस टू टू द पावर एक्स माइनस टू टू द पावर वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। थ्री माइनस टू टू द पावर एक्स माइनस टू अपॉन टू टू द पावर एक्स, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ से कंसेप्चुअली एनालिटिकली साउंड है और आपकी ऑब्जेक्टिविटी भी अच्छी है, तो आप जेई में कमाल का काम कर सकते हैं। तो टू टू द पावर एक्स, अब एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू टू टू द पावर एक्स, गलती से सिक्स टू द पावर एक्स मत लिखिएगा, टू टू द पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस टू और अपॉन में टू टू द पावर एक्स है। और टू टू द पावर एक्स कभी भी दोस्तों नेगेटिव नहीं होता है, टू टू द पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर इसको उधर भेज देंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, टू टू द पावर एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री इंटू टू टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा प्लस टू। इनइक्वालिटी में जैसा कहा वैसा होगा, नहीं होगा चेंज कुछ भी, माइनस अब उधर भेजेंगे अब चेंज हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, टू टू द पावर एक्स, अब मैं फैक्टराइज तो डायरेक्ट करता हूँ, आपको बहुत आता है इसको,
तो 2 टू द पावर x माइनस 1 और 2 टू द पावर x माइनस 2, ये इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हमारे पास दोस्तों जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, व्हाट आर दोज क्रिटिकल वैल्यूज, तो क्रिटिकल वैल्यूज के लिए पहले 2 टू द पावर x माइनस 1 0 हो, तो 2 टू द पावर x 1 हो, मीन्स 2 टू द पावर 0 हो, तो एक तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब दूसरा केस है 2 टू द पावर x माइनस 2 0 हो, यानी 2 टू द पावर x 2 हो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। अब आप 0 से कोई छोटी वैल्यू दिमाग में बिठाएं, या फिर आप वो जो कंसेप्ट है वीवी कर्व वाला प्लस माइनस प्लस, उस पर भी अमल कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस, क्योंकि 2 टू द पावर x का कोफिशियंट पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको कह देता हूँ कि x की कोई वैल्यू 0 से छोटी ले लें, 0 से छोटी वैल्यू माइनस 2 ली आपने, तो 2 टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, तो 2 टू द पावर माइनस 2 यानी 1 बाय 4 माइनस 1 नेगेटिव, ठीक है पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और यहाँ की कोई वैल्यू ले लेंगे तो पॉजिटिव। हमारा इंटरेस्ट किस में दोस्तों, हमारा इंटरेस्ट है इस वाले एरिया में, लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू भी लगाए तो इसका मतलब ये भी आएगा ये भी आएगा, तो इसका भी अगर इंडिविजुअली यही क्वेश्चन होता तो भी इसका डोमेन क्या होता, 0 से 1, इसका भी डोमेन 0 से 1 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि जब प्लस होता है तो दोनों का इंटरसेक्शन आता है हमारा आंसर, तो इसका डोमेन होगा क्लोज इंटरवल 0, 1, मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स मिलते रहें। सारे वीडियोस आप देखें, बी अ मास्टर इन फंक्शन मेरी बेस्ट विशेस हैं, और खुद मजबूत बने, देश को मजबूत बनाएं, आगे बढ़ें, औरों को आगे बढ़ाएं, ऑल द बेस्ट।